हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एक स्मॉल कैप सेक्टर का शेयर है जिसको आप कहोगे हिडन जेम शेयर, मतलब एक छुपा रुस्तम शेयर आप इसको कह सकते हो, और माल कमाने का मौका दे रहा है आपको। ये देखिए कैसे, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है, रिजल्ट आने वाला है तो कब आ रहा है, वो सारी चीज़ों को जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। देखिए, स्टार्ट करता हूँ मैं सीधे फंडामेंटल से। अगर मैं बात करता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 3300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसीलिए मैं इसको छोटा शेयर, स्मॉल कैप का शेयर कह रहा हूँ। 420 का प्राइस है, पी रेशियो 18, हर 18 रुपये पे 1 रुपये कमा के देता है, लेकिन रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं। 23% का कैपिटल एम्प्लॉयड पर और 27% का इक्विटी पे रिटर्न। सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो 19% की, काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लगा यहाँ पे। और डेट की बात करूँ तो बहुत कम डेट ही है, 450 करोड़ का डेट है। अर्निंग पर शेयर 23 रुपीज़ के आसपास है, बहुत ही बढ़िया, और पीजी रेशियो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर बात करता हूँ प्रोमोटर होल्डिंग की, तो 46% है और कुछ भी शेयर होल्डिंग प्रोमोटर की गिरवी नहीं रखी हुई है, ये और भी बढ़िया बात है। कंपनी का नाम है काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेजरली देखिए पावर एंड इंडस्ट्रियल केबल सेक्टर में ये ऑपरेट करती है। अगर इसके पीयर ग्रुप के शेयर को देखोगे आप, जिस तरीके से अभी नया शेयर आया है पॉलीकैब इंडिया आया है, फिनोलेक्स केबल काफ़ी डाउन जा चुका है, लेकिन काई इंडस्ट्रीज काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है काई इंडस्ट्रीज की। अगर यही चीज़ देखे जाए तो इसका किस तरीके से रिजल्ट आया था, देखिए जून 2016 में देखिए 19 करोड़ का प्रॉफिट, 11 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था आफ्टर टैक्स वाला, और उसके बाद जून 2017 में देखिए 27 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। जून 2018 में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो 32 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, और जून 2019 का अब रिजल्ट आने को है। तो प्रॉफिट नो डाउट हर बार बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट इसने दिखाया है। अगर पूरे साल बाय साल अगर आप देखोगे तो किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है, देखिए 2009 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, और अब 182 करोड़ के लेवल पे प्रॉफिट जा चुका है। तो काबिले तारीफ ये शेयर आपको लगेगा। अब का जो रिजल्ट आने वाला है, जिसके ऊपर काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई है, वो 5 अगस्त 2019 को आने वाला है। ये देखिए आप, 5 अगस्त 2019 को काई इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत सारी उम्मीदें इस पर टिकी रहेंगी। अगर टेक्निकल की मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया इसने रिटर्न्स दिए हैं। इवन टेक्निकली नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए जो रिटर्न्स की देखिए डिटेल, पिछले 10 साल की अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो 12% का लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, और पिछले 5 सालों में बहुत ज़बरदस्त गेन देखने को मिला प्रॉफिट। आप देखिए 40% के ग्रोथ रेट देखने को मिली, और पिछले 3 साल में स्पेसिफिकली 64% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है। अगर मैं इक्विटी पे रिटर्न की बात करता हूँ, तो पिछले 3 साल का एवरेज 23% का इक्विटी पे रिटर्न है, और 5 साल का 18% और 10 साल का 14% का रिटर्न है, और लास्ट ईयर का अगर बात करें तो 27% का इक्विटी पे रिटर्न है। नो डाउट बहुत बढ़िया रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं, इसीलिए एक छुपा रुस्तम, एक जेम मैं इसको कहूंगा। अब मैं बात करता हूं देखिए ग्राफ की, तो ग्राफ बहुत बढ़िया, बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली थी। बीच में ये शेयर 500 के लेवल पर जरूर चला गया था, 494 के लेवल पे। इस बार इस शेयर ने देखिए बीच में करेक्शन जो आया था, और ये स्टॉक को 240 के लेवल पे, 240 250 के लेवल पे ले आया था, लेकिन वहाँ से क्या ग्रोथ दिखाई है। अक्टूबर का टाइम फ्रेम है जब पूरी मार्केट में डाउन आया था, और उसके बाद क्या ग्रोथ दिखाई, आप क्लियरली देख लीजिए किस तरीके से ये ग्रो हुआ शेयर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अभी के टाइम पे देखिए इसने हाई 537 के लेवल का हाई बना के थोड़ा नीचे जरूर आया था, उम्मीद थी यहीं किसी लेवल से ये बाउंस बैक करेगा, लेकिन ये बाउंस बैक नहीं किया। अब ये शेयर बिल्कुल नीचे लेवल पे आ रहा है, अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर करेक्शन आता है रिजल्ट से पहले, अगर ये शेयर आपको मिलता है 390 से 420 की रेंज में, जो कि करेंटली अभी 420 की रेंज में है, तो रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आता है तो डेफिनेटली फिर से बाउंस बैक देख कर इसमें एक नई सीढ़ी चढ़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, सिंपल रिजल्ट रहता है, तो इसमें और गिरावट आते हुए ये 350 की रेंज में भी आ सकता है शेयर। तो बढ़िया मौका होगा वो 350, अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो मैं कहूँगा 300 से 350 पर अगर ये शेयर आपको मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन रिजल्ट अच्छे आने के जो आसार हैं, उससे ये जो प्राइस है वो और ऊपर जा सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ डिविडेंड की, काई इंडस्ट्रीज़ के डिविडेंड की, तो हमेशा हर साल फाइनल डिविडेंड थोड़ा थोड़ा डिक्लेयर जरूर करता है। इस बार का डिविडेंड जो है इसने, वो डिविडेंड इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, जिसके 1 रुपये का, ये पिछले साल 2018 का डिविडेंड है 1 रुपये का। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके प्रोमोटर की होल्डिंग की, प्रोमोटर देखिए मेजर प्रोमोटर जो है वो अनिल गुप्ता है, इसमें 5-6% की इनकी होल्डिंग है, और उससे बड़ा मेजर प्रोमोटर जो है वो प्रोजेक्शन फाइनेंशियल्स एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी 10% की होल्डिंग है। अनिल गुप्ता जी दूसरे, यहाँ देखिए अनिल गुप्ता, HUF अनिल गुप्ता की जो मेजर प्रोमोटर होल्डिंग है 17% की होल्डिंग, तो आप ये मान के चलिए कि अनिल गुप्ता जी का ये शेयर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस शेयर में बात करूँ कि बड़े शेयर होल्डर्स कौन से हैं इसमें। बड़े शेयर होल्डर जो है HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जिसके पास 37 लाख शेयर्स हैं यहाँ पे, और
फ्रैंकलिन टेम्पलर म्यूचुअल फंड है जिसके पास 48 लाख शेयर्स है, सुंदरम म्यूचुअल फंड के पास भी 10 लाख शेयर्स यहाँ पे हैं, तो ये बड़े बड़े शेयर होल्डर भी इसमें इन्वेस्टेड है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ अगर आप काई इंडस्ट्रीज के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो 5 अगस्त को इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर करना ना भूलें वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपकी अपनी राय इस स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।